अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें, नहीं तो आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना नहीं मिल पाएगी। भारत एक्सप्रेस का दूसरा रैक तैयार है, दिल्ली पहुंच चुका है। इसमें तमाम बदलाव किए गए हैं। यहां पर मैं एक और बदलाव आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये अगर हम पहली रैक की बात करें, जो इस समय वंदे भारत चल रही उसकी बात करें, तो ये टेबल आपको वहां पर काफ़ी बड़ी मिलती है, काफ़ी चौड़ी मिलती है, और इसका स्पेस कम किया गया है, थोड़ा स्पेस कम किया गया है। और ये स्पेस क्यों कम किया गया है? ये स्पेस इसलिए कम किया गया है कि हर एक डिब्बे के अंदर एक पेंट्री के लिए व्यवस्था की गई है, खान पान का सामान रखने के लिए व्यवस्था की गई है, जिसकी शिकायत थी कि इसमें जो है पेंट्री के लिए व्यवस्था की ही नहीं गई है। तो जो नई रैक निकाली गई उसमें इसका खास ख्याल रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से वो सारी व्यवस्था की गई है। जैसे ही डिब्बे से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा स्पेस इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें डीप फ्रीजर भी है और साथ ही साथ चीज़ों को गर्म रखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ओवन भी है और साथ ही साथ बॉटल कूलर भी है। तो वो सारी व्यवस्था यहाँ की गई है, सामान रखने की भी व्यवस्था है यहाँ पर और डीप फ्रीजर भी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और जिनको यहाँ पर खास तरीके से लगाया गया है। और ये पूरी व्यवस्था हम कह सकते हैं ICF को जो इनपुट मिला था उसी के आधार पर की थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सामान है उसको रखने के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो इस समय जो ट्रेन चल रही है वंदे भारत, उसमें ये स्पेस नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शिकायत थी कि इस तरीके का स्पेस ना होने की वजह से खान पान की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो अब ये रैक जहां पर भी चलेगी, ये वंदे भारत जिस जगह पे चलेगी वहां पर लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको भी काफ़ी सहूलियत रहेगी। अगर आपको भी हमारे नए वीडियोज़ देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें, नहीं तो आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना नहीं मिल पाएगी।